तो गाइज अचानक से एक प्लान बना, तो भी मैं जा रहा हूँ घर सीधा टॉप पे, जो वहाँ है ना बर्फ पड़ी हुई है वहाँ जाना है टॉप पे सीधा। पसीना देखो यार कितना आ रहा है पसीना, सोचा कभी आपने इतनी ठंडी जगह में पसीना भी आ सकता है। तो भाई अगर इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे तो आप क्या ही बोलूं मैं सही में, अब तो घर कुछ नहीं है मोड़ने के लिए। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूं लुनसो। तो गाइज आज की महंगी है ना, बहुत महंगी पड़ गई, बहुत ज्यादा महंगी। अरे चलना यार वहां चलते ना सामने पे यार टूर में चलते हैं। तो गाइज हम वहां पे जाने की सोच रहे हैं टॉप पे। तो गाइज यहां से हमें कुछ गांव दिख गए हैं, ये है बैट और वहां सामने है डांगू। गोपाल भाई कह रहा यार इस बार आर के बार बार तो आएंगे नहीं हम यहाँ, और अभी हमें जाना है सीधा टॉप पे वहाँ। मत जाओ भाई, गोपाल मत कर, भाई गोपाल मत कर यार। तो अपना जैस जैस चढ़ाई आ रही है ना ऊपर, वैसे वैसे भयंकर रोनी आ रही है, सीधा रोनी से कैसे चढ़ी इस चढ़ाई को। और यहाँ ठीक सामने माउंट एवरेस्ट है, और यहाँ ठीक सामने है घोड़ियापा, और ये है नीचे थई। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पे और चलते हैं ऊपर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप, आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे बढ़िया रहना। गाइस आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। सानवी कुछ खा रही है। ओए क्या खा रही, मुंह खोलिए भाई, इसके बाल कितने बड़े हो गए ना। आज है कड़क धूप, आज बिल्कुल मौसम साफ है, दो तीन दिन लगातार बारिश और बर्फ हुई। और ये उठा ले उसे गोदी में। और गाइज आज है संडे, और संडे में वहां बच्चे खेल रहे हैं मैच, और हमारे ठीक सामने है जलसी, और जलसी के इधर ढाणा, और ढाणा के उधर थत्यूड। गाइज ये है हमारी बहन, छोटी सी बहन सानवी। सानवी हाय हाय, तो गाइज अचानक से एक प्लान बना, तो भी मैं जा रहा हूँ घर, तो मैं बताऊंगा किस लिए जा रहा हूँ घर, पहले यहाँ से निकलते हैं फटाफट, लेट हो रही है वैसे भी। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूँ गांव में, और अब यहाँ से जाना है पैदल सीधा टॉप पे, जो वहाँ है ना बर्फ पड़ी हुई है वहाँ जाना है टॉप पे सीधा। और मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, तो घर पे बाद में जाऊंगा वहाँ से होके, वैसे भी लेट हो रही है। और ये है रोहन भाई, रोहन भाई की दुकान है यहाँ पे। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी लुनसू, यानी जो मोलदार का सबसे टॉप पहाड़ है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैंने बताया नहीं, जल्दीबाजी में था नीचे से। तो यहाँ से जो है ना लुनसू आई थिंक 6-7 किलोमीटर पैदल रास्ता होगा, तो चलते भी पैदल। नीचे से भाग भाग के आया, पूरी सांस फूल रही है। और ये हमारे गाँव के ब्रज पिंडा, बस लुनसू बस और सब गई गई लिया। मैंने सोचा कि रोहन आएगा मेरे साथ, उसने मना कर दिया था, उसने कहा भाई मेरी दुकान है, दुकान पे कोई नहीं है, मम्मी कहीं जा रखी है, और उसका छोटा भाई वो भी घूमने जा रखा है लुनसू, और खुद था अकेला ही, तो उसने मना कर दिया था। और यहाँ से भाई की आवाज भी आ रही है कहीं से, भैया और है सामने बैठे, भाई जी प्रणाम, और ठीक है नमस्ते मेरे समधी। बस भाई जी लुनसू, हाँ लुनसू रूर फर, चलो ठीक है भाई जी आन तो ठीक जरूर लाल बर्फ। तो मुझे यहाँ से ना भाग भाग के जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं, और यहाँ से कुछ ना आवाजें भी आ रही है, डर लग रहा है भयंकर की जंगली जानवर ना हो, अकेला हूँ यहाँ सुनसान है यहाँ भयंकर की, ना किसी की आवाज आ रही है ना कुछ आ रहा है, थकान भी बहुत ज्यादा लग गई यार। और ये रह गए उनके पैरों के निशान, यहाँ से गए वो देखो पैरों के निशान, देखो उनके पसीना चेक करो गाइस, पसीना देखो यार कितना आ रहा है पसीना, सोचा कभी आपने इतनी ठंडी जगह में पसीना भी आ सकता है। यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया 1:12, एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, सीधी खड़ी चढ़ाई, रिपीट आ रही है ना आवाज, ज्यादा तो नहीं आ रही पर थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो पहुंचने वाला होगा इस वहां टॉप पे जाना है बस, अब ये ना थोड़ी सी यानी 10-15 मिनट का रास्ता और है, वहां पहुंचना है किसी हालत में। तो ऐसे पथरीली जगह में ना यहाँ ही जंगली जानवर रहते हैं, रात को कुछ भी हो सकता है, हिरन भी हो सकता है, और बारहसिंगा भी हो सकता है, और जंगली जानवर कुछ भी हो सकते हैं। इतना हार्ड रास्ता भी नहीं है यार यहाँ का ना, मतलब इजी है थोड़ा, अगर मैं जल्दीबाजी में था तो इसलिए मुझे हार्ड लग रहा है, हार्ड बोले तो ओनली थकान लग रही है बस, और रास्ता बाद बाकी सब सही है। थोड़ी सी चढ़ाई थी वहां तक, थोड़ी सी थी, उसके बाद एकदम सही रास्ता था। और भाई यहाँ से नजारा, तो फाइनली गाइस भाई कितनी ऊंची जगह पे आ गया हूं यार भाई, और वो देखो हमारा गांव मोलधार, यहाँ से बंगसिल भी दिखाई दे रहा है, ये
ये बंगसील और ये है मोलदार। भाई थोड़ी थोड़ी बुटकोट भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो चलते भी और ऊपर। तो बर्फ यहाँ इतनी ज्यादा पड़ी हुई है ना, बहुत ही ज्यादा सही में, कम से कम एक एक फीट तक बर्फ पड़ी हुई है यहाँ। और सुनो हल्की हल्की आ रही है उनकी आवाज, आ रही है ना हल्की हल्की आवाज। और ये देखो, प्रणाम प्रणाम बोला प्रणाम, और ठीक है भाई यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी देखो, प्रणाम प्रणाम। ये मेरा भाई का लड़का है और ये मेरा चाचा का लड़का ना, अब देख। चलो स्वागत, कब आए, कब रहे तुम, बारह बजे पहुंचे हैं और तैयारी अब घर। और कोई तुम्हारे के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं यार, कैसा लगा तुम्हें यहाँ? अच्छा, बहुत अच्छा है ना, भयंकर बर्फ पड़ी है, भयंकर पड़ी है, भयंकर रहना। ये देखो, ओए ओए आराम से जाना, भयंकर बर्फ पड़ी बस अभी बिलान तो नहीं, हाथ तो डायरेक्ट है यार। तो भाई अगर इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे तो आप क्या ही बोलू मैं, सही में अब तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। मैं सोच रहा था यहाँ बच्चे नहीं आते। ये ना टूरिज्म प्लेस ना काफी अच्छा यार, यहाँ घूमने के लिए ना सही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बट यहाँ एक चीज की दिक्कत है, तो वो है पानी की। तो अगर आप आओगे ना घूमने के लिए यहाँ, तो अपने साथ पानी जरूर लेके आना। खैर हम तो यही बर्फ से ही काम चला रहेंगे अपना। अभी टॉप पे जाना, अभी वहाँ पे ना सबसे टॉप पे वहाँ पे जाना है। और अब सुमित भैया को कॉल करता हूँ कि वो कहाँ है, उनकी आवाज तो यहाँ कहीं आ रही है। ये गोपाल भाई, ओ हो, क्या हाल है मेरी जानी, ठीक है? मजा आ गया भाई। और कहा गई भटका? तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ लुंडसो, और यह करण, या जन्नत है जन्नत। और क्या हाल है करण, ठीक है? और ये है सुमित भैया, और यहाँ पे आग जला रखी है इन्होंने। भाई यहाँ तो खाना बन रहा है, मैंने सोचा तुम मजाक कर रहे हो यार। चेक दिस आउट गाइस, यहाँ बन रही है स्पेशल मैगी गाइस। और ये देखो गाइस, ओ भाई ये इसका ना हुलिया हुलिया हुलिया, ओ भाई थोड़ी सी बच गया, इतना टाइट करने लग गया ना, अब बीच में हटना पड़ेगा गाइस। भाई थोड़ी सी बच गया, बच गए यार। चेक दिस आउट गाइस, ये मैगी का पानी पानी अलग कर दिया, मैगी मैगी उसमें, वो मैगी इसमें। तो गाइस जो आज की मैगी है ना बहुत महंगी पड़ गई, बहुत ज्यादा महंगी मैगी आज बहुत महंगी पड़ गई भाई। देख, तो पहले मैगी फिनिश करते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। तो पेट भरेगा भाई, तो जैसे तैसे हमने मैगी तो खा ली है भाई, पता नहीं कैसे कैसे खा ली है। मैगी में मिर्च बहुत ज्यादा थी लेकिन, बट नमक नहीं था, कुछ भी नहीं था नमक उसमें। प्लास्टिक वगैरह सब जलाते हैं यहाँ पे, चल कम ही ना बढ़ जी यार, वो काम जय जय काम था कहता। अरे चल ना यार बढ़ जी यार, अरे चल ना यार वहाँ चलते ना सामने पे यार, टूर में चलते हैं। तो गाइस हम वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं टॉप पे, ठीक है? दिखा दिया आज दे, है की बार देख ना, है की बार, अब बर्फ इसी साल पड़ी हुई, अगली बार थोड़ी पड़ जाएगी यार, बर्फ हर बार पड़ दी नहीं नहीं यहाँ तो पड़ती, लेकिन हम तो इस बार है ना यहाँ यार, जब आए हुए हैं तो यार मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ना भाई जी यार चलो, अरे यार बर्फ नहीं, चल जहाँ पार चल तुम आओ ना यार करण,
पछताण तो मुन क्या रे यार, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं यार, कने एक से का आधा घंटा लग लू बस। तो गाइस मैं और गोपाल जा रहे हैं सामने वाले टॉप पे पहाड़ पे। भैया कह रहे थे कि मतलब बहुत दूर है यहाँ से, तुम्हें नजदीक दिखाई दे रहा है बट बहुत दूर है, तो चले जाते हैं एक बार, देखते हैं कैसा कैसा रहता है वहाँ का सीन भी। गोपाल भाई कह रहा यार इस बार आर के बार बार तो आएंगे नहीं हम यहाँ, वो चले जाते हैं एक बार वहाँ भी। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ लुणसू, ये मोलधार का ना सबसे टॉप पहाड़ है, सबसे टॉप पहाड़ पे है ये वाला प्लेस। तो गाइस यहाँ से हमें कुछ गाँव दिख गए हैं, ये है बैट और वहाँ सामने है डांगू भाई साहब। बट यार बैट और डांगू यहाँ से दिखाया जा रहा है पूरा क्लियर। तो गाइज यहाँ जब बर्फ पड़ जाती है ना तो जितने भी जंगली जानवर है ना वो नीचे की तरफ भागते हैं जहाँ बर्फ नहीं होती, क्योंकि उनके लिए यहाँ खाना नहीं मिल पाता इसलिए नीचे की तरफ जाते हैं। तो हम रास्ता भूल गए थे, रास्ता नीचे वाला था और हम ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ से। चल नीचे चलो। तो अभी हम वहां से चल के आए, वहां से ये टॉप है ना जो यहाँ से, तो अभी हम यहाँ से आए मैं और गोपाल भाई, और जो सुमित भैया थे वो तो चले गए साथ छोड़ के, और अब सिर्फ ओनली मैं और गोपाल हैं। और अभी हमें जाना है सीधा टॉप पे, वहाँ थोड़ी सी और दूर है अभी भी, बट लेकिन जाना है तो जाना है यार। तो गाइस हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें आना था। ये भाई लोकेशन देखो, और वहां है सामने चिन्याली सौड़। देखो गाइस चिन्याली सौड़ हमारे ठीक सामने है, वो टीरी है ना, टीरी की वो दिखाई दे रही है झील थोड़ी थोड़ी। अच्छा नजारा देखो बैंकर की, हाँ देखो यहाँ इधर डर लग रहा है ना नीचे जाने में, तो चलते थोड़ी सी और नीचे। ओ भाई पूरी खाली है भयंकर की। अबे मत जा, अबे मत जा, मत जा भाई गोपाल, अबे रिक्स मत ले, अबे मत ले ओए, मत जा भाई गोपाल, मत कर भाई गोपाल, मत कर यार भाई, भाई मत जा यार डर लग रहा है तो थोड़ी सी नीचे, पैर ना फिसले डर इस बात का। तो चलते हैं गाइस। भाई साहब चेक दिस आउट गाइस, भाई देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कितना गहरा है यहाँ। जय श्री राम, रिपीट आवाज आ रही है, जय श्री राम आवाज आ रही है ना रिपीट। तो गाइज हमने फोटो वगैरह और रील्स वगैरह शूट कर लिए हैं और अब चल रहे हैं घर, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, यहाँ बज गए भाई 4, 2 घंटे हमारे पास मात्र घर जाने के लिए। चले भाई गोपाल, चले भाई चले चले चलो। तो अपना जैसे जैसे चढ़ाई आ रही है ना ऊपर, वैसे वैसे भयंकर रोनी आ रही है सीधा रोनी से, कैसे चढ़े इस चढ़ाई को, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, जो हमारी जो एनर्जी बची हुई थी वो सब खत्म हो चुकी है भाई, भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना बहुत ही ज्यादा। गलती कर दी हमने, कम मैगी कम लेके आया, मैगी क्या मैं तो नहीं लेके आया बट यही लेके आया, उन्होंने कहा था कि 10 मैगी लेके आना, मैंने उससे पहले मजाक कर रहे हैं यार मैगी मुगी का सीन, 4 आदमी 10 मैगी कैसे खाएंगे। देखो भाई कितनी चढ़ाई आ गई अब तो। हाँ गोपाल भाई आनो मजा, जितनी एनर्जी सब खत्म। और यहाँ ठीक सामने माउंट एवरेस्ट है, तो अभी वहाँ बादल लगे हुए हैं यानी कोहरा लगा हुआ है, वैसे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं लुणसू में, भाई ये होती है लोकेशन, इस साइड बर्फ है और इस साइड बर्फ नहीं है, तो इस साइड धूप ज्यादा पड़ती है और इस साइड धूप कम पड़ती है, इसलिए यहाँ बर्फ है। तो ये गाइज ये है झंडी लुणसू की, सबसे टॉप झंडी है। गाइज नीचे देखो हमारा गांव, ये है मूलधार और ये है यहाँ की छप्पर, और यहाँ ठीक सामने है घोड़ियापा और ये है नीचे थई, और वहां भी जाऊंगा एक दिन। तो अब यहाँ से भी चलते हैं, अब लास्ट मैं और गोपाल बचे हैं, जो सुमित भैया लोग थे वो तो चले गए यहाँ से। तो चलते हैं गाइस अब घर, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ही ज्यादा क्या ही बोलूं।
तो लगभग लगभग बर्फ जो है ना वो खत्म होने वाली है। और भाई अब ना पहुंचने ठंडे हो गए ना, बहुत ही ज्यादा ठंडे, अब धूप भी नहीं है यहाँ, पाँव इतने ज्यादा सुन हो गए ना, बिल्कुल ही सुन सही में, इतना ठंडा लग रहा ना पाँव में, एक तो पूरे गीले गीले हो गए यार। चलते हैं गाइस यहाँ से भी, अभी एक तो ना फिसलने का डर लग रहा अभी यहाँ ना। ये गोपाल भाई, गोपाल भाई क्या कि कोई बोल सकता है क्या गोपाल भाई? भाई अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार अब फिसलने का, और भयंकर ही पाँव इतने ज्यादा ठंडे हो गए। गोपाल भाई तेरे पाँव में ठंडे वो तो कह रहा है जम गए भाई पाँव तो। ये मजा भी चाहिए तो ये सजा भी तो झेलनी पड़ेगी। सही बात है यार, मजा चाहिए तो बिल्कुल सजा तो झेलनी पड़ेगी। वो काम ही क्या है जिसमें मजा ही मजा हो और सजा ना हो, वो अच्छा लगता है कि मजा भी हो और सजा भी हो, उस लाइक मजा भी हो और उस लाइक सजा भी हो, तो बढ़िया रहता है कि सही में यार। तभी तो याद रहेगा मैं क्यों कि वहां वहां गए थे भाई घूमने के लिए और वहां ऐसे ऐसे हाल हुए थे। कह रहा ये कहानी जो है ना अपने बच्चों को सुनाऊंगा कि भाई जूते देखो, जूते भाई भूत बन गए भाई जूतों के तो। यहाँ देखो तो अब यहाँ से नीचे कोई बर्फ नहीं है, जो बर्फ का रास्ता था वो गया खत्म। गोपाल भाई आ गया है और मैं पीछे हूँ। तो मैं और गोपाल पहुंच चुके हैं डावरी घाट, यानी जहाँ हमारी छप्पर थी पहले, बट अब तो नहीं हवा। 2006 7 में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद हम नहीं रहे, उसके बाद हम सत्तूर चले गए थे। और कैसा रहा सफर भाई, यहाँ तक सही रहा? तो चल करते हैं गाइस स्कूटी का स्टार्ट। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पे और चलते हैं ऊपर। तो ये है मेरी ताई जी, माँ जी प्रणाम। और ठीक माँ जी, और एक चलो जरा। तो गाइस जूतों की हालत देखो पहले, बिल्कुल ही गंदे यार, गंदे और हैं। तो गाइस अब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और इतना ज्यादा थकान लग रही ना, बहुत ही ज्यादा। थोड़ी देर में आग तापी और आग तापने के बाद मैं आ गया ऊपर। अब थोड़ी इस वीडियो को एडिट करते हैं, फटाफट से एडिट करते हैं शॉर्ट शॉर्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।